हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेवल पे डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट लेयर है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, और जो पहला लेयर है इसको हिंदी में कहते हैं क्षुभमंडल। इसकी जो हाइट होती है वह 18 किलोमीटर तक होती है, और मौसम संबंधित जितनी घटनाएँ हैं यानी वेदर रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं इसी लेयर में होती हैं। इसके बाद है जो है, और इस लेयर में है, इसी लेयर में जो है हाइड्रोजन की हाइड्रोजन। इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। यह हमारे अर्थ का जो इसी लेयर को हम लोग ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं, और यह जो हमारा ओजोन लेयर है सन से आने वाले डायरेक्ट जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे क्या हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये लेयर ना हो अर्थ पे तो क्या होगा, जो पूरी जो ह्यूमन है उसको क्या होगा, वह कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शिकार होंगे। और इसके बाद हम जानेंगे थर्ड लेयर के बारे में जिसका नाम है मेसोस्फीयर। यह हमारे एटमोसफियर की क्या है, यह हमारे एटमोसफियर की थर्ड लेयर है, और इसकी जो हाइट है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। और क्या होता है इसमें जो उल्का पिंड आते हैं, जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरते हैं इसी लेयर में आके जो है नष्ट हो जाते हैं या जल जाते हैं और हमको जो है हार्मोन से बचा लेते हैं। इसके बाद फोर्थ है थर्मोस्फीयर। यह जो है क्या है, यह जो है हमारे अर्थ के एटमोसफियर का जो है फोर्थ लेयर है, और इसी लेयर में जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या होता है यहाँ पर एरोला लाइट जो है जिसको हम लोग इसको देख सकते हैं। एंड फिफ्थ और लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, और जिसकी हाइट जो है 500 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक होती है, और यह जो लेयर है हमारे यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष में जाके मिल जाती है। कैसी लगी आपको जानकारी?